जब से फिल्म भारत में सलमान खान का लुक सामने आया है, तभी से हर कोई फिल्म में सलमान के बाकी लुक्स का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान ने फिल्म भारत से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया था। इस फर्स्ट पोस्टर लुक में सलमान 60 साल के बुजुर्ग आदमी लग रहे थे। लुक शेयर करते हुए सलमान ने लिखा था कि जितने सफेद बाल मेरे सिर और दाढ़ी में हैं, उससे कई ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। वहीं अब फिल्म में सलमान का एक और लुक सामने आ गया है। इस पोस्टर में सलमान 20 साल के जवान लड़के की तरह नजर आ रहे हैं। पोस्टर शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, जवानी हमारी जाने मन थी। इस लुक में सलमान खान काफी यंग और डैशिंग लग रहे हैं। पोस्टर को देखकर ये कहा जा सकता है कि सलमान इस बार भी दर्शकों की ईद में 4 चांद लगाने वाले हैं। वहीं अगर इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखा जाए तो इसमें दिशा पाटनी भी नजर आ रही है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ साल 1964 यानी कि भारत के जवानी के दिन को बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर के साइड में दिशा पाटनी भी करतब करती हुई दिख रही हैं। बता दें कि फिल्म भारत में सलमान खान के कुल 6 लुक होंगे और सूत्रों के मुताबिक फिल्म के रिलीज से पहले ये लुक्स एक एक कर पोस्टर की शक्ल में सामने आएंगे। अब तक सलमान खान के 2 लुक सामने आ चुके हैं और दोनों ही बेहद जबरदस्त हैं। फिल्म भारत देश के बंटवारे से लेकर अब तक की कहानी को जिस किरदार के जरिए पर्दे पर दिखाने वाली है, उसका नाम भारत है और ये रोल सलमान खान ने किया है। आपको बता दें कि फिल्म में सलमान खान के साथ साथ कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ और सुनील ग्रोवर भी हैं। फिल्म भारत 5 जून को रिलीज होगी। वहीं 24 अप्रैल को इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। बता दें कि फिल्म भारत की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इन दिनों सलमान अपनी अगली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं। दबंग के बाद सलमान खान आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।